आपने अभी तक ईगल टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या किए? दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जियो कॉइंस ऐप। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को अपने मोबाइल पे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप कमा सकते हैं ढेर सारे पेटीएम कैश। इस ऐप के अंदर आपको 7 टास्क मिलेंगे। आप अगर 7 टास्क को कम्प्लीट करते हैं तो आपको मिल जाएंगे 1000 जियो कॉइंस। और जब आपके पास 100000 जियो कॉइंस हो जाएंगे तो आपको अपने पेटीएम अकाउंट पे 250 रुपया मिल जाएगा। और आप किसी को रेफर करके भी 10% कमीशन कमा सकते हैं। आपका पेटीएम मोबाइल नंबर ही आपका रेफरल कोड है। आपको बस एक ऐड पे क्लिक करके 40 सेकंड तक रुकना है और तभी आप एक टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। मैं भी जियो कॉइन से 250 रुपया कमा चुका हूँ। मेरे पेटीएम अकाउंट पे 250 रुपया आप देख सकते हैं मैंने जियो कॉइन से कमाया हुआ है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज मैं आपको एक गूगल का नए ऐप के बारे में बताऊंगा जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। आप उस ऐप के बारे में ऑलरेडी सुन चुके होंगे। जिन लोगों ने उस ऐप के बारे में नहीं सुना उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उस ऐप का नाम है तेज ऐप। उस ऐप के जरिए आप इंडिया के अंदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे फोन पे भीम ऐप में जैसे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूपीआई के जरिए, उसी तरह आप गूगल का इस तेज ऐप के जरिए भी आप किसी को भी इंडिया में पैसे पे कर सकते हैं। देखो ये एक नॉर्मल ऐप है और ये ऐप नए नए आया है और जैसे आपको पता है कि गूगल पे पूरा दुनिया भरोसा करती है, तो जब गूगल ने ये ऐप लाया है तो इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा होंगी ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जिस चीज के ऊपर मेरा ध्यान ज्यादा गया वो ये है कि आप अगर इस ऐप को यूज करते हैं और फर्स्ट टाइम किसी को पैसे भेजते हैं इस ऐप के जरिए, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, तो आपको उसके लिए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में 51 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं, मान लीजिए आपने एक दोस्त को रेफर किया और अगर आपका दोस्त आपके लिंक से उस ऐप को डाउनलोड करके फर्स्ट टाइम पेमेंट करता है तो आप दोनों को ही 51 रुपीज मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप जितने मर्जी दोस्तों को रेफर कर सकते हैं और हर एक दोस्त के लिए आप 51 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप को कैसे इजीली यूज कर सकते हैं और उस ऐप के जरिए कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ सीखते हैं। दोस्तों जैसे पहले ही मैं आपको बताया कि इस ऐप का नाम है तेज ऐप, तो नाम सुन के ही पता चल रहा होगा कि ये ऐप काफी फास्ट होने वाला है कि नाम ही है तेज। तो दोस्तों उस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बस उसी लिंक से क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, तभी आपको 51 रुपीज मिलेंगे, नहीं तो आपको ठेंगा मिलेगा। तो बस आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस ऐप को अपने फोन पे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों उस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले कहा जाएगा कि आप अपना लैंग्वेज चूज करो, तो इसे इंग्लिश रखने दीजिए। फिर ऊपर में एक ऑप्शन होगा नेक्स्ट का, तो आप उस ऊपर में नेक्स्ट का बटन में क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाएंगे। अगले स्टेप पे आपको पूछा जाएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर दो। अब बस उसी मोबाइल नंबर को दीजिए जिस मोबाइल नंबर से आपका एक बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, और ध्यान रहे कि आपके मोबाइल नंबर पे 1.5 रुपया बैलेंस होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके स्मार्टफोन पे ही होना चाहिए। तो आप जब उस मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद उस मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ जो भी ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। उस मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ अगर 2-3 ईमेल आईडी है तो आप उनमें से किसी भी एक को चूज करके नीचे में कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही कंटिन्यू कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, और वो ओटीपी आप जब डाल देंगे और वो ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई भी हो जाएगा। अगर आप मैनुअली डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जैसे ही वो ओटीपी वेरीफाई हो जाता है तो आपको कहा जाएगा कि आप इस ऐप को लॉक कर लो। तो मैं अपने फोन का जो पैटर्न लॉक है इसी लॉक से इस ऐप को लॉक करना चाहता हूँ, तो और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी यही कीजिए। इस लॉक का मतलब है कि आप दोबारा जैसे ही इस ऐप को ओपन करने जाएंगे तो आपको ये लॉक देना पड़ेगा। तो इस लॉक को देने के बाद ही आपके सामने इस ऐप का इंटरफेस आ जाएगा। इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, या अभी ऐप नया नया आए हैं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले आपके पास एक ट्यूटोरियल आएगा कि कहां कहां से आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं आपको पहले इसका ऑफर चेक करा के दिखा लेता हूँ। सबसे पहले आप ऑफर्स में जाइए, देख सकते हैं कि इनवाइट फ्रेंड्स टू तेज एंड यू ईच गेट 51 रुपीज, ये पहला ऑफर है। दूसरा ऑफर है पे एनीवन दिस वीक 50 और मोर, अगर आप किसी को 50 रुपए से ज्यादा पे करते हैं तो एक कूपन दिया जाएगा। अगर आप लाखी निकले तो कूपन से 10,000, आप 1,00,000 या फिर 1,000 रुपए तक जीत सकते हैं। तीसरा ऑफर भी यही है। तो दोस्तों हमारा जो पहला टारगेट है कि हम तेज ऐप से किसी को पे करेंगे उसके लिए हमें बैंक अकाउंट में 51 रुपीज मिलेगा। इस ऑफर के लिए हम पहले जाएंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास बैंक अकाउंट इस ऐप से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट, आप उस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। आप जैसे ही उस ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको कहा जाएगा सिलेक्ट योर बैंक, आपका कौन से ब्रांच में आपका अकाउंट है। जैसे मेरा स्टेट बैंक है, मैं स्टेट बैंक पे सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, आप उस नंबर को सिलेक्ट कीजिए जिस नंबर से आपका एक बैंक अकाउंट लिंक है।
तो जैसे मेरा यहाँ पर सिम टू है एयरटेल, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपके सिम से एक ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई भी कर लेंगे। आपको बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखना है इस स्टेप को। आपके मोबाइल नंबर से 1.5 रुपया कट जाएंगे। अगर आपके पास पहले से यूपीआई पिन नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए डोंट नो योर यूपीआई पिन में। उसके बाद आप अपना एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर और एक्सपायरी डेट देख के एक नया यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक यूपीआई पिन है जैसे मेरा है, तो मेरा इंटर यूपीआई पिन नीचे में जो ब्लू वाला बटन है वहां पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो यूपीआई पिन है 6 डिजिट का, आप उसे एंटर कीजिए। जैसे मेरा 6 डिजिट पिन है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मैं आपके सामने कह दे रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि आप इस पिन को लेके मेरे अकाउंट से पैसे हैक कर लेंगे। मैं इस पिन को अभी तुरंत चेंज कर दूंगा, तो आप देख लीजिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद आप अपना यूपीआई पिन दे दीजिए। जैसे यूपीआई पिन देंगे, थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली इस ऐप से लिंक हो जाएगा। और आपका बैंक अकाउंट लिंक होने का ये मतलब है कि आप डायरेक्टली अभी इस ऐप से किसी को भी इंडिया में पे कर सकते हैं। तो आप जैसे ही इस ऐप से पे करेंगे तो आपका पैसा जो है बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट जाएगा। तो मेरा बैंक अकाउंट तो लीक हो गया, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अपने एक दोस्त को मैं 1 रुपया सेंड करूंगा। तो इस ऐप से मैं पहला ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ 1 रुपया, तो मुझे 51 रुपीज कैशबैक मिलना चाहिए डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में। दोस्तों आपको नीचे में ऑप्शन देगा पेमेंट के नाम से, न्यू के नाम से, आप वहां पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप किसी को भी पे कर सकते हैं जिसके पास एक बैंक अकाउंट हो, या फिर जिसके पास एक VPI ID हो, या फिर जिसके पास एक तेज अकाउंट हो। अगर किसी के पास गूगल तेज ऐप नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी फैमिली मेंबर के बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स से, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब डाल के भी उस बैंक अकाउंट में पे कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि आपके बैंक अकाउंट से तेज ऐप के जरिए एक बार पेमेंट करना है, तभी आपको 51 रुपीज मिल जाएंगे। आप किसको पे कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। बस आप एक बार फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन कर लीजिए तेज ऐप के जरिए। अपना दोस्त का एक नंबर देता हूँ, उसके पास भी एक तेज अकाउंट है, उसका नाम यहाँ पर मेरा आ गया। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है पे और रिक्वेस्ट, मैं पे करूंगा। पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर अमाउंट में डालता हूँ ₹1। उसके बाद यहाँ पर है व्हाट दिस इज फॉर, मैं क्यों पे कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते, कुछ भी, हाई, हेलो, कुछ भी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर फन। उसके बाद नीचे में है प्रोसीड टू पे। जैसे ही प्रोसीड टू पे करूंगा, थोड़ा सा प्रोसेस के बाद, थोड़ा सा प्रोसेस को लोकेशन ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, मैं लोकेशन ऑन कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यूपीआई पिन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से डाल देता हूँ अपना यूपीआई पिन, जैसे मैं आपको पहले ही बताया 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं इसे ओके कर देता हूँ तो फिर से थोड़ा सा प्रोसेस होगा। उसके बाद उस बंदे के पास जिसे मैं पैसा भेज रहा हूँ, सक्सेसफुली उसके पास 1 रुपया चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो पहला ऑफर था जिनके लिए हम अप्लाई कर रहे थे, पहले बार ट्रांजेक्शन के लिए मुझे अपने अकाउंट में 51 रुपीज मिलेगा, इस ऑफर को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मुझे 51 रुपीज मिल जाना चाहिए अपने अकाउंट पे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपको तुरंत नहीं मिलता। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। फोन पे अकाउंट में या फिर पेटीएम अकाउंट में जैसे आपको तुरंत कैशबैक मिल जाता है, लेकिन इस केस में आपको तुरंत कैशबैक नहीं मिलता। दोस्तों गूगल एक और ऑफर दे रहा है कि आप अगर तेज ऐप के जरिए किसी को 50 या फिर उससे ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं तो आपको उसके लिए 2 कूपन मिलेगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आपके फैमिली मेंबर या फिर दोस्त को 51 रुपीज सेंड कर दीजिए, तो आपका पैसा आप ही के पास रहेगा। तो और अगर आप लाकी निकले तो आपको जो 2 कूपन मिलेगा उसको स्क्रैच करके आप अप टू 1000 रुपीज या फिर 10,000 रुपीज जीत सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपने दोस्त को 51 रुपीज सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर व्हाट दिस इज फॉर फिर से मैं लिख देता हूँ फॉर फन। उसके बाद मैं नीचे में जो प्रोसीड टू पे है उसे क्लिक करता हूँ। जैसे करूंगा फिर से मुझे यूपीआई पिन देने के लिए पूछा जाएगा। आप जितना बार अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांजेक्शन करने जाएंगे आपको उतना बार यूपीआई पिन देना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए है और ये बहुत अच्छा है। दोस्तों मैं फिर से अपना पिन दे देता हूँ। उसके बाद जैसे मैं ओके करूंगा, आप देख सकते हैं कि मेरा जो 51 रुपीज है मेरे अकाउंट से कट गया और मेरे पास 2 कूपन कोड आ गया। ठीक है, चलिए मैं अपना कूपन कोड देख देता हूँ। ये ऑरेंज वाला जो कूपन कोड है ये मुझे अगले संडे को ओपन करने को मिलेगा। ठीक है, अभी नहीं मिलेगा। जो ब्लू वाला कूपन कोड है मैं उसे अभी स्क्रैच कर सकता हूँ। चलिए देख लेते हैं कि मैं क्या जीता। दोस्तों चलिए स्क्रैच करता हूँ, क्या लिखा है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अरे यार मैं हार गया, कुछ भी नहीं जीता। कोई बात नहीं, जो मैं 51 रुपीज सेंड किया था वो मेरा दोस्त मुझे फिर से वापस कर देगा, तो मेरा लॉस कुछ नहीं है। अगर मैं लकी होता तो मुझे मिल जाता। और जो ये ऑरेंज वाला कूपन कोड आप देख रहे हैं इसे मैं अगले संडे को स्क्रैच कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से गूगल तेज ऐप के जरिए किसी को फर्स्ट टाइम पे करके अपने बैंक अकाउंट में 51 रुपीज ले सकते हैं और किसी को 50 या फिर उससे ज्यादा पे करके 2 कूपन जीत सकते हैं। और अगर आप लाकी निकले तो आपको 2 कूपन में ही कुछ कुछ पैसे अपने अकाउंट पे मिल जाएंगे।
दोस्तों अगर आप मेरे ओपिनियन पूछोगे कि ये ऐप कैसा है, मतलब आप इंडिया में ट्रांजेक्शन करने के लिए फोन पे भीम ऐप को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो गूगल ऐप में कौन सा ऐसा नया चीज है? देखो अगर आप मेरे ओपिनियन पूछोगे तो अगर आप कंपेयर करते हैं फोन पे से इस गूगल तेज ऐप को, तो फोन पे बहुत आगे है। मतलब ये इस तेज ऐप को अगर आप यूज करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जिनको इन चीजों को गूगल को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये नया नया आए हैं और हम उम्मीद करते हैं जैसे जैसे इस ऐप में अपडेट्स आते जाएंगे उतने फीचर्स इसमें और ज्यादा ऐड होगा। और जैसे आपको पता है कि फोन पे में तुरंत कैशबैक मिल जाता है, इसमें तुरंत कैशबैक नहीं आता, आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो इनका नाम तो अभी तेज है लेकिन मेरे हिसाब से ये ऐप उतना तेज नहीं है जितना कि इसको होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम लोगों को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमको जब तक ऑफर्स मिल रहे हैं, हमको जब तक कैशबैक मिल रहा है तब तक ठीक है। तो आप भी इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो अपने स्मार्टफोन पे, और जब तक ये ऑफर चल रहा है इस ऑफर के जरिए आप 21 रुपीज करके 9,000 रुपये तक अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। दोस्तों इस ऑफर का वैलिडिटी है 1 अप्रैल 2018 तक, तो आप उससे पहले इस ऑफर को ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज नहीं समझ में आया है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों एक और बात कि आप अगर फोटोशॉप सीखना चाहते हैं वो भी हिंदी में, तो मेरा एक दोस्त का चैनल है फोटो बूमर के नाम से, आप उस चैनल को बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी वो कोई भी वीडियो अपलोड करता है तो उसे ध्यान से देखिए, आप भी एक दिन फोटोशॉप में मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।